नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से कार्स वर्ल्ड चैनल में। तो आज आपके लिए लेके आए हैं स्विफ्ट में जो हाल ही में मार्केट में आई है सीएनजी वेरिएंट, उसका जो मैं डिटेल में रिव्यू करने जा रहा हूं। तो आज आप देख रहे हैं ये जो सामने जो वेरिएंट खड़ा है, आपको लग रहा है ये आपको टॉप मॉडल लग रहा होगा ZXi, लेकिन ये ZXi नहीं है, ये दरअसल VXi मॉडल है जो सीएनजी में आपका बेस मॉडल से ऊपर वाले मॉडल में मिलता है। तो इसमें आपको अलॉय व्हील भी साइड से आपको दिखा होगा, लेकिन ये सारा एक आपको एक्सेसरीज़ में किट के साथ मिल रहा है। और ये जो है आपके सामने एक्सेसरीज़ के साथ लगी हुई गाड़ी है। तो इसमें क्या क्या किट्स में आपको मिल रहा है और किट की कितनी प्राइस है वो हर एक चीज़ बताऊंगा, और क्या क्या इसमें लगी है एक्सेसरीज़ में वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूँगा इसके जो एक्सेसरीज़ के पार्ट्स है। तो एक्सेसरीज़ में आपको इसका एक पूरा किट मिलता है जिसमें आपको कम से कम 12 आइटम दिए जाते हैं, जिसकी कॉस्ट रखी गई है 65,000 रुपये। तो इसमें आपको जो जो चीज़ें मिलने वाला है, जैसे कि डिस्प्ले कैमरा, स्पॉइलर, स्पोर्ट्स किट, फॉग लैम्प गार्निश, स्टाइलिट किट, विंडो फ्रेम और साइड मोल्डिंग, डोर वाइज़र, अलॉय व्हील्स, मड फ्लैप और काफ़ी चीज़ें, मैटिंग वगैरह मिल जाती है। तो आपको बताऊं कि इसका जो फ्रंट के साथ में आपको दिख रहा होगा, इसमें आपको फॉग लैम्प लगी हुई दिख रही होगी, और साथ में इसका जो ग्रिल जो है, ग्रिल के साथ ये देखिए यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग के साथ एक आपको एक्सेसरीज किट मिल जाती है। काफ़ी प्रीमियम सा लुक दे रहा है, इसकी वजह से काफ़ी अच्छा ग्रिल पैटर्न है। और ये आप देखेंगे ये जो है ये स्किट प्लेटें होती है, और इसमें चारों तरफ से आपको मोल्डिंग वगैरह पूरा एक सेट आता है। और ये फॉग लैम्प और क्रोम गार्निश एक्सेसरीज का पार्ट है। एक्चुअली इस वेरियंट में ये फॉग लैम्प नहीं आते हैं, यहाँ पे ये हेडलैम्प आ गया, हेलोजन में आते हैं इसमें VXi वेरिएंट में। तो आप देख सकते हैं इसका जो फ्रंट लुक, इसकी वजह से बहुत ही शानदार लग रही है एक्सेसरीज किट की वजह से। तो काफ़ी अच्छी बात है, इसमें आप लगवा सकते हैं, आपको शोरूम में आपको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और ये जो एक्सेसरीज़ के जो जितने भी आइटम्स हैं वो इसमें देखिए लिस्टेड कर दिए गए हैं, आप पॉज करके देख सकते हैं। बाकी आप चलते हैं इसके कार के साइड प्रोफाइल में, तो देखते हैं इसमें साइड प्रोफाइल इसकी कैसी लग रही है। तो देखिए बहुत ही शानदार लुक आ रही है साइड प्रोफाइल से, बहुत ही बढ़िया लग रही है। और इसका जो है मेन चीज़ है इसका अलॉय व्हील। तो एक्सेसरीज़ में आपको अलॉय व्हील मिल रहा है, तो बहुत अच्छी बात है कि एक्सेसरीज़ में आपको अलॉय व्हील लगवा लीजिए, तो बहुत अच्छी लग रही है कार इससे। और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको 15 इंच का अलॉय व्हील मिल रहा है, और 185/65 का आपको टायर साइज़ मिलता है, लेकिन जो इसके साथ में आता है वो 165/80 और R14 का स्टील रिंग मिलती है। और यहाँ पे देख सकते हैं यही आपको चारों तरफ से मोल्डिंग मिल जाती है, बहुत अच्छी लग रही है, स्पोर्टी लुक आ रहा है। और ये आपका एक्सेसरीज़ का पार्ट है, बहुत अच्छा लगता है इसकी वजह से। देखिए साइड प्रोफाइल काफ़ी अच्छी आती है इससे, बहुत बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे ORVM की बात करूँ तो इंडिकेटर आपको ORVM पे मिल जाता है, नीचे आपको कुछ नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे भी आपको क्रोम लाइन दी गई है, ये विंडो फ्रेम बोलते हैं इसको, और काफ़ी अच्छी लगती है, इससे प्रीमियम सा लुक आता है। ये डोर वाइज़र आपको हो गया इस एक्सेसरीज किट में आता है ये, तो काफ़ी अच्छी लग रही है इसकी वजह से कार, एक कंप्लीट लुक आ रहा है इससे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये आपका जो यहाँ पे रियर में आपको ड्रम ब्रेक्स मिलते हैं, हालांकि हैचबैक है इसमें आपको डिस्क नहीं चाहिए होता है। और यहाँ पे ये फ्यूल टैंक हो गया, फ्यूल टैंक की बात करूँ तो 27 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिल जाता है यहाँ पे। ये पेट्रोल वेरियंट है, और पेट्रोल प्लस CNG आता है, और CNG का मैं कहाँ से इसका जो पॉइंट है वो सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, तो देखते रहना। अब देखिए इसका रियर प्रोफाइल भी काफ़ी शानदार लग रही है गाड़ी की, काफ़ी अच्छी लग रही है, एक एक्सेसरीज़ की वजह से बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है। देखिए सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये, देखिए ये ब्लैक कलर का, और स्पॉइलर बहुत अच्छा लग रहा है, पियानो ब्लैक फिनिशिंग के साथ है, बहुत बढ़िया लग रही है। ऊपर आपको पोल एंटीना मिल रहा है, कोई डिफॉगर ग्लास नहीं आता इसमें, ये हाई माउंट स्टॉप लैंप आ गया। यहाँ पर आपको LED सेटअप मिल जाता है LED DRLs के साथ, और ये रिवर्स लाइट और बैक लाइट वगैरह हो गया। यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग मिल जाती है टेल गेट पे, काफ़ी अच्छा लग रहा है इसकी वजह से। इस वेरिएंट में आपको कैमरा नहीं मिलता है, और इस वेरिएंट में ये एक्सेसरीज के पार्ट से लगाया गया कैमरा है ये। और ये देखिए बहुत अच्छा फिनिशिंग और पियानो ब्लैक के साथ बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन के साथ बहुत अच्छी लग रही है गाड़ी इसके, तो बहुत बढ़िया है। और ये जो 65,000 की किट है बहुत अच्छा है, इसमें सारी चीज़ें आ रही है, आपको अलग से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, ये आप शोरूम में ही लगवा सकते हैं। चार आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, ये रहा। तो देखिए कंप्लीट लुक काफ़ी अच्छी लग रही है स्विफ्ट CNG का, जिसका वेट था। अब चलते इसका बूट स्पेस में, तो देखते हैं सर बूट स्पेस इसमें क्या है। तो देखिए कुछ इस तरह से इसका बूट स्पेस आता है, CNG टैंक इसी में लगी हुई आती है,
सीएनजी फ्यूल टैंक की कैपेसिटी बात करूं तो 55 लीटर का सीएनजी फ्यूल टैंक मिल जाता है, जिसमें आपका 7.5 से 8 केजी के आसपास में सीएनजी आती है। आपको रियर पार्सल ट्रे मिल जाता है और ये देखिए यहाँ पे टायर भी ये फिक्स्ड है, मतलब ये हिलेगी नहीं, काफ़ी अच्छी बात है, बहुत बढ़िया है। अब देखिए यहाँ पे इसका जो सीएनजी जो फील करने का है, यहाँ पे आपको पोजीशन दिया गया है, तो यहाँ से आप सीएनजी फील कर सकते हैं। और अगर आपको ये अगर ढक्कन अगर आपके खुली रहेगी तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, ये कंपनी का मानना है, ये सेफ्टी फीचर्स होता है इसमें। तो मेरे मानना से कि ये अगर ये आपको फ्यूल टैंक जहाँ से फ्यूल पेट्रोल डालते वहाँ पर होता तो ज़्यादा बेटर रहता, तो कोई बात नहीं। हालांकि हर कंपनी अलग अलग करती है तो इन्होंने भी थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट रखा है, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। देखिए इसका साइड प्रोफाइल और यहाँ पे रियर आपको सीट दिखाऊं तो यहाँ पे देख सकते हैं इसका जो रियर डोर है कुछ इस तरीके से ओपन होता है, बहुत बढ़िया है, आजकल ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे इसका जो रियर डोर हो गया काफ़ी अच्छा है अंदर से, और ये फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। ये जो है पोर्शन ये एक्सेसरीज का पार्ट है, ये जो आपको देख रहा है ड्यूल टोन, और ये तो आपका जो है क्रोम लाइन डोर आ जाता है, लॉक हो गया, अनलॉक के लिए हो गया, ये आपका बॉटल होल्डर हो गया, तो बॉटल होल्डर थोड़ा बड़ा होना चाहिए था, चलिए कोई बात नहीं, छोटा बॉटल तो आ ही जाएगा इसमें। और यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस टाइप से इसका इंटीरियर है, रियर इंटीरियर आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा है, और सीट आप देखेंगे तो सीट भी काफ़ी अच्छी खासी थाई सपोर्ट के साथ मिलती है, देखिए काफ़ी कितना सा स्पेस मिल जाता है आपको, लेग सपोर्ट काफ़ी अच्छा मिलने वाला है इसमें, और ये आपका फिक्स हेडरेस्ट मिलता है इसमें, कोई एडजस्टेबल नहीं आता है। बाकी यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको 60-40 का आपको सीट्स मिल जाती है फोल्ड करने के लिए, बहुत बढ़िया बात है। जैसे आप 3 लोग अगर सवार कर रहे हैं तो एक सीट को फोल्ड कर सकते हैं और जिसमें आप सामान रख सकते हैं, काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे देख सकते हैं आपको थाई सपोर्ट वगैरह अच्छी खासी मिल रहा है, लेग रूम भी अच्छा है इसमें, तो बहुत बढ़िया है गाड़ी, स्पेस के मामले में काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खुली खुली सी है। ये हैंडल्स आ गए पकड़ने के लिए दोनों तरफ, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ऊपर आपको कोई भी लैंप रूम लैंप वगैरह नहीं आता है इसमें, इस वेरिएंट में। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप से था इसका इंटीरियर है। अब आते हैं इसके जो फ्रंट साइड में जाते हैं, फ्रंट साइड में अंदर जाने से पहले मैं आपको इसका कीज़ दिखाना चाहूँगा, तो देखिए इसका कीज़ कैसा है। तो कुछ इस टाइप से कीज़ आती है जो पहले आती थी स्विफ्ट में, दोनों आपको रिमोट की मिल जाती है सेंटर लॉकिंग के साथ, लॉक अनलॉक का, तो बहुत बढ़िया है। और ये चलिए अंदर चलते हैं, पहले अंदर आपको दिखा देता हूँ, पहले इसका डोर दिखाता हूँ मैं किस टाइप का है। देखिए कुछ इस तरीके से है, तो देख सकते हैं आप यहाँ पे ये जो आपका पोर्शन है ये फैब्रिक में है और सॉफ्ट टच में है। यहाँ पे ये जो है पोर्शन ये आपका एक्सेसरीज किट के साथ आता है, मिरर इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल फोल्डेबल आ जाता है, ये पीछे विंडो लॉक करने के लिए चारों पावर विंडो के स्विचेस दे दिए हैं, और ये आपका सेंटर लॉकिंग हो गया। यहाँ पर आपको बॉटल होल्डर न्यूज़पेपर होल्डर मिल जाता है, और यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे आपको इस वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाती है, जो बहुत ही अच्छी बात है। बेस सुपर मॉडल से ही आपको हाइट एडजस्टेबल सीट मिल जाता है, काफ़ी अच्छी बात है। और आपका फ्रंट के जो आपको ड्राइवर साइड और को ड्राइवर साइड के जो सीटें हैं वो आपको उसका हेडरेस्ट आपको एडजस्टेबल में मिल जाते हैं। इंटीरियर पूरा ब्लैक आता है, ब्लैक में थोड़ा आपको सिल्वर फिनिशिंग के साथ मिल जाता है, हर हर जगह छोटी छोटी जगह पर आपको सिल्वर फिनिशिंग देखने को मिलता है। और यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो स्टेयरिंग, ये मारुति का लोगो हो गया, स्टेयरिंग जो है वो राउंड शेप में आता है इसमें, और काफ़ी अच्छी और फिनिशिंग काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको म्यूज़िक के कंट्रोल्स करने के लिए बटन मिल जाते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट प्रीवियस का, और कॉलिंग रिसीव कॉलिंग कट का नीचे आ जाता है बटन्स, और आपको राइट साइड में कोई बटन्स नहीं आते हैं। और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा यहाँ पे कुछ बटन्स दिए गए हैं, मैं आपसे बता नहीं पा रहा हूँ, लेकिन एक सेकेंड मैं आपको दिखाता हूँ, पहले डोर को थोड़ा ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे आपको सीएनजी फ्यूल कन्वर्जन का बटन मिल जाता है, और ये फॉग लैंप का हो गया और हेडलैम्प लेवल का हो गया। यहाँ पे ऊपर आपको एसी वेंट्स के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, काफ़ी अच्छी बात है, एसी वेंट्स का जो एयर कंट्रोल भी आप वहाँ से कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा। और इसमें देखिए यहाँ पे इसका आपको म्यूज़िक सिस्टम आ जाता है इस टाइप से, तो पहले आपको थोड़ा गाड़ी को स्टार्ट करके दिखा देते हैं, पहले स्टार्ट कर लेते हैं। ये होगी स्टार्ट, काफ़ी अच्छी लग रही है, देखिए क्लस्टर मीटर बहुत बढ़िया है, आपको दोनों साइड आपको एनालॉग मीटर मिल जाता है, स्पीडोमीटर और टैकोमीटर दोनों एनालॉग में आता है, बीच में आपको डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है जिसमें आपको फ्यूल्स वगैरह हो गया, ट्रिप मीटर, ट्रिप ए ट्रिप बी, और आपका माइलेज वगैरह दिखाता है, काफ़ी अच्छी बात है। और काफ़ी अच्छा लग रहा है इसका मीटर जो है, हालांकि एनालॉग है बट बहुत ही अच्छा मीटर बनाया है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। यहाँ पर आपको म्यूज़िक सिस्टम की बात करूँ तो कुछ इस टाइप से इसमें म्यूज़िक सिस्टम मिल जाता है जो काफ़ी अच्छा है। इसमें हालांकि छोटी स्क्रीन है, इसमें आपको कैमरे का काम नहीं करता है, लेकिन ये जो इसमें जो बटन्स है सारे दिए गए हैं वो सारे के सारे टच रिस्पांस में बटन दिए गए हैं, जो काफ़ी अच्छी है। और म्यूज़िक सिस्टम भी इसका बहुत अच्छा, साउंड क्वालिटी है,
और यहाँ पे आप देखेंगे इसमें मैनुअल एसी आता है, ये ब्लोअर वगैरह कम करने के लिए सारे मैनुअल हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको 12 वोल्ट का पावर एक्सेसरी सॉकेट मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो है या खुल नहीं रहा है एक सेकेंड, हाँ ये देख सकते हैं यहाँ पे आपको यूएसबी पोर्ट और आपका ऑक्स पोर्ट मिल जाता है यहाँ पे। और यहाँ पे नीचे थोड़ा सा स्पेस दिया जाता है जो फ़ोन रख सकते हैं आप। दो एयरबैग्स मिल जाते हैं दोनों साइड में, ड्राइवर और ड्राइवर साइड में। और ये जो आपका एक्सेसरीज़ का पार्ट था मैंने आपको बताया था, इसमें जो फिनिशिंग है वो एक्सेसरीज़ में मिल रहा है। और ये आप देखेंगे इसमें आपको जो अगर ग्लव बॉक्स दिखाऊंगा तो ये आपको छोटा सा ग्लव बॉक्स मिल जाता है, काफ़ी अच्छा है, हालांकि कूल नहीं है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे अगर आपको मिरर की बात करूँ तो यहाँ पे वैनिटी मिरर मिल जाती है। और यहाँ पे आपको ये रूम लैंप मिल जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। और ये देखिए सबसे बड़ी बात है ये, इसमें आपको जो एक्सेसरीज किट में मिलने वाला है ये डिस्प्ले कैमरा, जो ये आपका मिरर दिख रहा है यही आपका डिस्प्ले की तरफ भी वर्क करता है। और ये जो मिरर है काफ़ी अच्छा खासा और इसकी जो विजिबिलिटी है बहुत अच्छी है। जब आप रिवर्स करते हैं तो यही आपको इसमें डिस्प्ले मिल जाता है। कैमरा देखिए कुछ इस टाइप से, बहुत बढ़िया है और क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है। तो ये आपका इंटीरियर पूरा कवर कर दिया है मैंने, कुछ इसी टाइप का आता है। यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपको 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाता है, थोड़ा स्पेस आगे मिल जाता है। और ये आपका हैंड ब्रेक हो गया, बाकी कोई स्पेस नहीं मिलता है इसमें। और यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, इसमें आपको जो है इस एक्सेसरीज किट में आपको सीट कवर नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, आप सीट कवर लगवा सकते हैं, आप शोरूम से भी लगवा सकते हैं और आफ्टर मार्केट भी लगवा सकते हैं। अब चलते हैं इसके इंजन की तरफ, तो पहले बोनट ओपन कर लेते हैं, फटाफट से इसका बोनट ओपन करते हैं, पहले देखते हैं इसका इंजन कैसा है। नो डाउट बहुत ही बढ़िया इंजन होने वाला है इसमें, स्विफ्ट में ऑलरेडी बहुत अच्छा इंजन आता है आपको पता ही है। तो ये रहा कुछ इस टाइप से इसका इंजन, आप देख सकते हैं ये देखिए इसका इंजन। और साथ ही साथ NVH लेवल कम करने के लिए ऊपर आपको इंसुलेशन भी मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको इंजन जो मिलता है वो 4 सिलेंडर का 1200 सीसी का इंजन मिलता है इसमें, जिसमें अब मैं अगर पावर की बात करूँ तो 89.75 PS का पावर जनरेट करती है 6000 RPM पर। और अगर इसका जो टॉर्क की बात करूँ तो टॉर्क जो है इसमें 113 Nm का टॉर्क जनरेट करती है जो 4400 RPM पे। और अगर CNG में बताऊँ तो 77.49 PS की पावर जनरेट करती है 6000 RPM पर। और टॉर्क जो है वो 98.5 Nm का टॉर्क जनरेट करती है 4300 RPM पे। अब बात करते हैं इसका एक्सशोरूम की, तो इसका एक्सशोरूम जो है वो 7,77,000 रुपये रखा गया है, तो काफ़ी अच्छा रेंज है इसका एक्सशोरूम। और इसमें अगर माइलेज की बात करूं तो माइलेज इसमें 30 प्लस के क्लेम करी गई है, तो देखते हैं कितना माइलेज आता है इसका, बाकी फीडबैक में पता चल ही जाएगा। जो और आपको अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।